हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा कि मैं आपको इस चैनल पर नौकरी के बारे में बताता हूं। मैं आपको बताता हूं नोएडा, दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव, फरीदाबाद में जॉब कैसे मिलेगा, प्रोसेस क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक नई कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि गाड़ियों के रिंग्स बनाती है। जी हाँ दोस्तों, गाड़ियों के रिंग्स बनाती है और इसमें मेगा हायरिंग है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं अभी रोड पर बैठ के बना रहा हूँ क्योंकि ये मेगा हायरिंग थी और अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने कहा आप सभी को बताया जाए कि मेरे भाई जो भी जाना चाहते हैं, कंपनियों में जॉब करना चाहते हैं, 10th 12th ITI डिप्लोमा कर रखा है और उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में स्क्रीन पे आपको एक नंबर मिलेगा कोमल जी का जो कि HR है। ये आपको पूरा कोऑर्डिनेट करेंगे, कंपनी में ये ज्वाइन कराएंगे आपका। तो जो हमारे भाई इच्छुक है, काम करना चाहते हैं, वही कॉल करें, ठीक है दोस्त। तो मैं आपको बता दूँ, कंपनी का नाम है मिंडा कोसी अल्मोनियम लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का नाम है ये और ये जो होने वाला है, ये कंपनी का जो एड्रेस होने वाला है, कड़ी वितलापुर रोड अहमदाबाद होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये अहमदाबाद का लोकेशन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो भी मैं आपको बता दूँ, सैलरी कितना है ये भी मैं आपको बताने वाला। स्किप मत करना मेरे भाई, अगर आप स्किप करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे इसरार भाई समझ में नहीं आया हमारे को, है ना। तो मैं आपको बता दूँ फैसिलिटी जो है वो एक टाइम खाना है, ब्रेकफास्ट है, प्लस लंच है एंड टी भी है, ठीक है। लंच भी दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, समझ रहे हो, ब्रेकफास्ट भी है, टी भी है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा। अगर हम सैलरी की बात करें, सैलरी इसमें बहुत अच्छी है साहब। 10th 12th वालों की, ग्रेजुएशन वालों की 8 घंटे की जो सैलरी है, 8 घंटे 26 दिन की जो सैलरी है 16,700 है। 8 घंटे ध्यान से देना, 8 घंटे की 16,700 है। CTC इन हैंड जो है, इन हैंड आपका पड़ेगा 14,700 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 14,700 इन हैंड रहेगा। आई टी आई वालों की जो सैलरी है 8 घंटे की 26 दिन की 17,500 है। CTC इन हैंड जो पड़ेगा दोस्तों, वो आपका आएगा इन हैंड 15,500 आएगा। बहुत अच्छी है दोस्त, 8 घंटे की सैलरी में बता रहा हूँ। आज 26 दिन, संडे इसमें ऑफ रहेगा, संडे आपको जाना नहीं है और ना ही संडे आपको करना है। अगर संडे कभी भी इमरजेंसी अगर लगता है तो उसका आपको डबल दिया जाएगा और खाने का पैसा अलग से दिया जाएगा। अगर हम बात करें वेल्डर्स एंड फिटर्स की, ठीक है, जो फिटर्स ITI से फिटर्स कर रखे हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे वेल्डर्स हैं हमारे भाई जो बेरोज़गार हैं और अहमदाबाद में भटक रहे हैं, भाई साहब ऐसे में स्किप मत करना, मैं बता दूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि हमारे वीडियो से कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है। अच्छा लगता है यार, सुकून मिलता है, कम से कम हम आपके काम तो आ रहे हैं, हम आपके सपोर्ट में इतना खड़े हैं। बारिश हो रही जब भी बैठे हुए हैं, अभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, हवा इतना तेज़ चल रहा है। और मैं आपको बताऊँ, जैसे कि ये फीटर की जो 8 घंटे की 26 दिन की सैलरी है वो 17,500 है, इन हैंड 15,500 है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है, कंपनी आपको फैसिलिटीज़ क्या दे रही है, रूम की भी फैसिलिटी दे रही है कंपनी आपको, जो है कि हॉस्टल प्रोवाइड कर देगी, लेकिन आपको 1 महीने का ₹1,000 देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, रूम रेंट जो फर्स्ट टाइम मंथ हो 1 महीने देना होगा, मतलब हर 1 महीने का आपका ₹1,000 लगेगा। कंपनी खाना आपको देगी दोपहर का, शाम को आपका खुद का करना होगा, रहने का कंपनी सुविधा देगी, लेकिन ₹1,000 महीने आपसे लेगी, ठीक है। सेम फॉर स्किल कैंडिडेट डेस्टिनेशन अगर हम बात करें तो ऑपरेटर का होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप ऑपरेटर का ही काम करोगे। मैं आपको बता दूं, जो मैन्युफैक्चर कंपनी है और अहमदाबाद में है, जो कि गाड़ियों के रिंग्स बनाती है, ठीक है, रिंग्स वगैरह बनाती है, मैन्युफैक्चर कंपनी है, सीटिंग एंड बोथ सीटिंग स्टैंडिंग दोनों डिपेंड ऑन द इंटरव्यू। जैसे आप इंटरव्यू क्रैक करोगे उस हिसाब से आपको पोस्ट एंड प्रोफाइल दिया जाएगा। अब आप फ्रेशर हो साहब, तो उसी हिसाब से तो आपको उस डिपार्टमेंट भेजा जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन आप एक दिन फ्रेशर नहीं रहोगे, सही बता रहा हूँ। अगर मैंने आपको कहा और आपने काम स्टार्ट कर दिया, तो मेरे भाई वो दिन दूर नहीं जब आप भी कहोगे सर आई हैव एक्सपीरियंस 2 इयर्स 3 इयर्स, है ना, आप कहोगे और खुद ब खुद कंपनी आपको खुद ब खुद वो सैलरी देगी और बढ़ा के सैलरी देगी। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें मेरे भाई, तो 18 से 30, ये जो 18 से 30 वाला है ना साहब, सच में यार इतना बुरा लगता है कि क्या बताऊँ, बताओ 30 साल यार यूँ ही पढ़ते पढ़ते गुजर जाती रहोगे, 25 साल तो ऐसे ही गुजर जाती है। अब 5 साल के अंदर उसको नौकरी नहीं मिली तो क्या एज ओवर हो गया, गलत है। पर क्या ही बताएं, इस पर हम भी पहल करेंगे बहुत जल्द। अब हम मेन टॉपिक की बात कर लेते हैं, रिक्वायर्ड क्या क्या है डॉक्यूमेंट्स। आधार कार्ड, ITI सर्टिफिकेट, ITI फाइनल रिजल्ट डॉक्यूमेंट्स का, 12th डॉक्यूमेंट्स, COVID-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। देखो, अपना आधार कार्ड ले लो, पैन कार्ड ले लो, मार्कशीट ले लो, ठीक है, जो आपकी पढ़ाई लिखाई हो, बैंक का पासबुक ले लो, आप अपना फोटो ले लो एंड सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन का लो। अगर वैक्सीनेशन नहीं भी है तो भी चल जाए, कोई ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर चला देंगे। बट अगर है भाई साहब लेके जाना, क्योंकि कोरोना ना फिर से आने वाला है, रियली बता रहा हूँ, इसलिए कंपनी का जो रूल्स रेगुलेशन है फिर से बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है। ये जो एड्रेस होने वाला है, मैं आपको बता दूँ, कड़ी गुजरात का होने वाला है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, आई रिपीट इट, जो 10th 12th वालों एंड ग्रेजुएशन वालों की जो सैलरी होगी 8 घंटे 26 दिन की 16,700 रुपये, CTC इन हैंड मिलेगा 14,700। 12th वालों की जो ITI वालों की जो सैलरी रहेगी
वो रहेगी 8 घंटे की 26 दिन की CTC 17,500, इन हैंड 15,500। वेल्डर वालों की जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 8 घंटे 26 दिन की 17,500 और CTC रहेगा 15,500। रूम का आपको 1,000 रुपये देना पड़ता है। ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा। एक मैन्युफैक्चर कंपनी है, कंपनी का नाम है मिंडा कोसी, मिंडा ग्रुप बहुत अच्छी कंपनी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, MNC कंपनी जिसमें सभी लोग काम करना चाहते हैं बट जॉब नहीं मिल पाता। मैं यहाँ पे क्यों बैठ के बात वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए ना कि आप सभी को रोज़गार मिल पाए, वरना मैं भी गाड़ी लेता, अपना बाइक लेता और सीधा निकल जाता। लेकिन नहीं, मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए और वीडियो बना के बताना चाहिए, तभी तो हमारे भाई को पता चल पाएगा कहाँ वैकेंसी है कहाँ वैकेंसी नहीं है। तो मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, सोचो तो क्या आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते? इतने दिन से मैं मेहनत कर रहा हूँ भाई साहब, क्या ही बताऊँ। लोग दंग जाते हैं, लोग पूछते हैं इसरार भाई यार तीन तीन चार चार वीडियो पर डे कहाँ से आप लाते हो यार? अरे वो मुझे पता है ना मैं कहाँ से लाता हूँ, मेहनत से लाता हूँ भाई, मेहनत। अगर मेहनत नहीं करूँगा तो मैं भी आगे नहीं बढ़ूँगा। इसीलिए मैं भी कहता हूँ कि अगर आप सब मेहनत नहीं करोगे तो आप भी मेरे भाई मेहनत नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे और ना ही लाइफ में कुछ कर सकते हो। क्योंकि जो आलसी आदमी रहता है ना वो हर जगह बदनाम होता है और हर जगह पीछे होता है। रियली बता रहा हूँ, आलसी आदमी, कामचोर आदमी, रियली बता दूँ, मैं आपको बता दूँ, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है डिग्री वाले बंदों के अंदर। तो एक्सपीरियंस लाओ ना, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन आप प्रैक्टिकली कर सकते हो कंपनियों में काम, वहाँ से आप पढ़ाई का पूरा पूरा काम करने का एक्सपीरियंस ले सकते हो, जिससे पढ़े लिखे से ज़्यादा आपकी सैलरी होगी। भाई साहब मेरे सामने ऐसे ऐसे बंदे हैं जो 12th पास आ रहे, 50,000 सैलरी लेते हैं कंपनी के अंदर, सोचो कैसे। वो भाई साहब उन्होंने तो 12th, लेकिन नहीं, उन्होंने पूरा मैनेजमेंट संभाल रखा है भाई, वो 10 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, उन्हें पूरा ब्यौरा पता है कंपनी में काम कैसे होता है, किसको रखना है किसको नहीं रखना है और कैसे मैन्युफैक्चर होती है। भाई साहब हर चीज़ पढ़ाई नहीं होती, हालांकि पढ़ाई इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बट एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तजुर्बा, अनुभव। अगर आपके अंदर अनुभव है तो ऑटोमेटिक आपकी कॉन्फिडेंस लेवल ना हाई हो जाएगी, और आपके अंदर अनुभव नहीं है तो भाई साहब आप तो ढीले ढाले हो जाओगे, रियली बता रहा हूँ। कभी मैंने भी सोचा ही नहीं था कि मैं भी YouTube पे काम करूँगा या मेरे सब्सक्राइबर 1.5 लाख हो जाएंगे या तो 60,000 हो जाएंगे, 70,000 हो जाएंगे। मैंने सोचा था बस आप भाइयों के लिए काम करना है, आप सभी लोगों से बस दुआ लेनी है, आप सभी का बस साथ चाहिए, मुझे अपनी पहचान बनानी है, ना कि मुझे पैसे की लत नहीं है भाई। किसी भी कंपनी में जाता हूँ, किसी भी कंपनी से आप पूछ लेना कि क्या मैं कंपनी में वीडियो बनाने का पैसा, नहीं नहीं कभी नहीं। मुझसे कहते हैं इसरार भैया पैसे लिया करो, मैंने कहा भाई पैसे अगर लूँगा तो मैं खुद की मेरी आदत ख़राब हो जाएगी, फिर क्या होगा कि जो मुझे पैसे देगा मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, ऐसा नहीं। पैसे दो या ना दो, भाई साहब मेरे कैंडिडेट के साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि उनसे पैसे लेने की कोई भी डिमांड होनी ही नहीं चाहिए। तो चलिए ये तो बात की बात है, बट आप लोग ध्यान देना, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मायने रखते, सीखो यार। 10,000, 12,000, 15,000 अगर आपको मिल रहा है ना तो इससे पीछे मत हटो, करो, स्टार्ट करो, बैठने से अच्छा है। पहले आप डिसाइड करो आपको करना क्या, घर बैठे हैं 6 महीने और वही 6 महीने आपने काम किया, कितने आ गए भाई, 15 छक्का जोड़ लो आप, कितने 1,000 हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस 6 महीने का अलग से मिला है ना, तो ये चीज़ें हैं। बाकी का आपकी लाइफ है, आप डिसाइड लो, लेकिन जो मुझे बेहतर लगता है वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। जो हमारे भाई इच्छुक है काम करना चाहते हैं मिंडा कोसी कंपनी में, वो जा सकते हैं, उनको जॉब मिल जाएगा, श्योर है कि जॉब मिलेगा, और ये जॉब बिल्कुल निःशुल्क होती है मेरे भाई, किसी को पैसे मत देना, अगर पैसे दोगे तो आप खुद जिम्मेदार होगे, मैं अभी बोल देता हूँ। और यहाँ स्क्रीन पर नंबर मिलेगा कोमल जी का, जो HR हैं, इनसे आप पूरा ब्यौरा ले लेना, मतलब एड्रेस वगैरह ये आपको बता देंगे, तो आप इनको अपना नाम, एज, क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर अपना भेज देना, इनको व्हाट्सअप कर देना या कॉल पर बात कर लेना, तो आप निकल जाना। तो उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी, वीडियो पसंद है एक लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आई रिपीट इट, है ना, 1,000 रुपये रूम का लगता है भाई, नोएडा, दिल्ली, NCR, गुड़गांव, कहीं भी जाओगे रूम का 2,000-3,000 रुपये लगता है, लेकिन यहाँ पे कंपनी फैसिलिटी दे रही है, ओनली 1,000 रुपीज़ लगेगा एक बंदे का। मिलते हैं नए वीडियो, नए नौकरी से, रखिएगा अपना ख्याल, नहीं वीडियो तब तक लिए, बाय।